दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल शेयर टिप्स में, और मैं हूं मधु कुलश्रेष्ठ, आपका स्वागत करता हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हम दोस्तों जानने आज वाले के इस हैं वीडियो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म किया है। हम देखने वाले हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल तक की परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हम देखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अच्छा योद्धा वही है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। यूं तो जब मार्केट हाई होता है उस टाइम पे तो सभी लोग कहते हैं कि देखिए ये सेक्टर इतना परफॉर्म कर रहा है, इस सेक्टर ने इतने रिटर्न दिए हैं। लेकिन इस वक्त जब मार्केट ऑलमोस्ट 30 से 40% डाउन है, अब एक्चुअल में देखने की बारी है कि कौन सा सेक्टर है जिसने इतना डाउन मार्केट पे भी टोटल जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव नहीं दिए हैं। यानी कि अभी भी जो ऐसे सेक्टर्स पॉजिटिव बने हुए हैं उन पे आज हम फोकस करने वाले हैं। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी, तो आज की इस इन्फॉर्मेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज जो हम आपके पास डेटा लेकर के आए हैं, उस डेटा के अंदर निफ्टी के पूरे जितने भी इंडेक्स हैं, निफ्टी के सारे इंडेसेस और BSE के सारे इंडेसेस, इन सभी की हमने एनालिसिस की है और पूरी क्यूमुलेटिव रिटर्न्स हमने चेक किए हैं कि पिछले 10 सालों तक के क्यूमुलेटिव रिटर्न्स कौन से सेक्टर ने अच्छे दिए हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छा योद्धा वही माना जाता है जो लंबे समय तक टिकता है। अगर आप 2 साल, 4 साल, 5 साल तक की अगर देखें, तो 5 साल तक कोई सेक्टर हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन कभी ना कभी जब क्राइसिस आई है, ऐसे समय पे जिस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है वही सेक्टर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने लेकर के आते हैं निफ्टी के सेक्टर्स, निफ्टी के कौन से इंडेसेस हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है और कौन से हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। देखिए आपके सामने आ गई है एक लिस्ट। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हैं 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर और 10 ईयर तक की परफॉर्मेंस आपको दिख रही है। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है बैंक निफ्टी, यानी कि निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का अगर आप एनालिसिस करें तो आपको यहाँ से दिखेगा पिछले 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि इसी साल में जनवरी, फरवरी और मार्च जो निकल के गई है, इसमें इसने माइनस का 46% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 46% ये इंडेक्स डाउन हुई है बैंक निफ्टी की। इसके अलावा आप अगर पीछे चलें, अगर आप 2 साल का देखें तो -29.63। इसका मतलब जो पहले पॉजिटिव रिटर्न्स इसने दिए थे उन सब को ख़त्म करके और माइनस में 46% तक पहुंचा दिया है। इतना स्टॉक मार्केट के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें डी ग्रोथ हुई है। अब अगर हम लंबे समय की बात करें तो 5 साल के अंदर भी इसके रिटर्न्स नेगेटिव निकल के आते हैं, बट 10 साल के समय की अगर हम बात करें तो 81% के रिटर्न निकल के आते हैं, यानी कि 100% भी नहीं। तो दोस्तों 10 साल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स हैं ये तो अच्छी बात है, बट रिटर्न्स 100% से भी कम है, यानी कि 10 साल में पैसा डबल भी नहीं हो पाया है। तो ये जो रिटर्न्स निकल के आए हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट किए हैं उस तरीके के रिटर्न्स ये नहीं हैं। वैसे तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी है, बैंक के शेयर्स तो चलते ही चलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनमें अगर हम देखें, IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, तीनों ने ही पॉजिटिव दिए हैं रिटर्न्स, लेकिन निफ्टी फाइनेंस ने 10 साल की अगर मैं बात करूं तो 126% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और जो सबसे अचंभित करने वाली बात है वो ये है कि FMCG का जो इंडेक्स है, निफ्टी FMCG, इसने इन सभी से ज़्यादा 265% का रिटर्न दिया है। 265% के रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था तो 10,000 पे 265% का बेनिफिट। इसका मतलब 26,500 का उसने बेनिफिट दिया, तो टोटल जो अमाउंट इस वक्त बन रहा होगा 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10 साल पहले किया था तो वो 36,500 रुपये का दिख रहा है। अब दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अच्छा योद्धा यानी कि बड़ा योद्धा वही जो लॉन्ग टर्म में साथ दे। अब इस वक्त जब मार्केट निफ्टी 8,000 पे चल रहा है, उस वक्त ये रिटर्न आपको दिख रहा है
अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, और ये रिटर्न है आपके सामने 265% का रिटर्न। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, कुछ दिन पहले जब मार्केट 12,000 के आसपास था, तो यानी कि यहाँ से लगभग 40% राइज होता, ये जो पूरा परसेंट रिटर्न दिख रहा है ये 40% ज़्यादा होता। तो इसका मतलब अगर आप इसमें 40% बढ़ा देते हैं, तो ये 36,000 का 40% अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट ये 50,000 के आसपास दिखने लगेगा। तो इसका मतलब 10 सालों के अंदर 5 गुने आपका पैसा हो चुका था। वो तो ये क्राइसिस आ गई है जिसकी वजह से ये मार्केट में इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। अदरवाइज़ FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। तो ये तो बात की हमने निफ्टी के जो सेक्टर्स हैं इनकी। इसके बाद नीचे हम बात कर लेते हैं बैंक्स का, एक और सेक्टर है जिसे हम बोलते हैं निफ्टी PSU बैंक्स। तो दोस्तों निफ्टी PSU बैंक्स का अगर आप रिटर्न देखें, इसने कभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए ही नहीं हैं। यानी कि जितने भी PSU बैंक्स हैं उन सभी ने हमेशा नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, चाहे आप 1 साल का देख लें, 3 साल का देख लें, 5 साल का देख लें, या फिर उन्हें 10 साल के कंपैरिजन कर लें। 10 साल में जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो निकल करके आया है 63% का नेगेटिव रिटर्न। यानी कि आपको PSU बैंक्स में तो पैसा लगाना ही नहीं है। ये सेक्टर ऐसा है जिसने कभी ग्रोथ नहीं दिखाई है। इसके अलावा एक और चीज़ हम बात करते चलें निफ्टी फार्मा की। आपको याद होगा करीब 7-8 साल पहले की बात है, उस टाइम पे फार्मा सेक्टर बूम पे था। फार्मा का जो भी शेयर उठा लो वो सारे शेयर्स हमेशा बढ़ते ही चले जाते थे, चाहे वो छोटा शेयर हो या बड़े मार्केट कैप का शेयर हो, वो शेयर बढ़ते ही चले जाते थे। उसका इफ़ेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट्स के अंदर भी। आप अगर देखें सबसे कम नेगेटिव यहाँ पर जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो निफ्टी फार्मा का ही दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 83% का पॉजिटिव रिटर्न है, और अभी ये दोबारा से ग्रोथ पकड़ने लगा है। इसका मतलब जो आने वाला समय है उसमें ये फार्मा सेक्टर जो है ये दोबारा से ग्रोथ पकड़ने वाला है। आप जानते होंगे कि 4 साल का एक साइकिल होता है, और इस साइकिल में एक सेक्टर ज़रूर उठता है और अगले 4 साल फिर ज़रूर गिरता है। बट यहाँ पर FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसने हमेशा ही ग्रोथ दिखाई है, और यहाँ जो दूसरा सेक्टर निकल के आया है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर पहले 4 साल चला, उसके बाद 4 साल शांत रहा। आपने देखा चाहे औरोबिंदा फार्मा हो या फिर ल्यूपिन हो या सन फार्मा हो, इसके जो भी शेयर्स थे उन सभी ने डाउनसाइड ही डाउनसाइड दिखाई थी, और जो बड़े बड़े अमाउंट में लोगों ने शेयर्स खरीद रखे थे फार्मा सेक्टर के, वो सारे अभी तक पॉजिटिव नहीं आ पाए थे। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है फार्मा सेक्टर दोबारा से COVID-19 की वजह से दोबारा से। एक और पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो ये संक्रमण शुरू हुआ है ये महीने या 2 महीने में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए कम से कम 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 से 1.5 साल भी लग सकता है पूरी तरीके से भारत के अंदर से या पूरे विश्व के अंदर से कोरोना वायरस को ख़त्म करने में। तो इसीलिए यहाँ से फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों FMCG, फार्मा और बैंकिंग की बात। इसके बाद अगर हम बात करें IT सेक्टर की या इंफ्रा सेक्टर की, तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर्स भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इन्होंने नहीं किया है। IT सेक्टर ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हाल फिलहाल के हिसाब से अगर देखें तो अभी ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही पटरी पर आने वाले हैं सारी चीज़ें, ऑर्डर्स इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, तो IT को भी आप अभी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी के और जो बाकी सेक्टर्स हैं इनकी, तो देखिए निफ्टी ऑटो जो है इसने ज़्यादा अच्छी रिकवरी कभी नहीं दिखाई। इसका जो 10 ईयर्स का जो टाइम फ्रेम है इसने 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप 5 साल, 7 साल, 3 साल सभी को देखें तो आप सभी नेगेटिव ही दिख रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी मेटल, देखिए मेटल ने रिकवरी आज तक दिखाई ही नहीं है, चाहे वो 4 साल का टाइम फ्रेम हो या वो 8 साल का टाइम फ्रेम हो, मेटल ने कभी भी रिकवरी नहीं दिखाई। इसलिए आपको ये वो सेक्टर्स हैं इनसे हमें बच के रहना है। एक तो PSU बैंक से बच के रहना है, मेटल सेक्टर से बच के रहना है, इंफ्रा सेक्टर से बच के रहना है, इनमें अभी ग्रोथ की कोई भी आशंका नज़र नहीं आती। तो दोस्तों ये तो थे निफ्टी के इंडिसेस। अब हम बात कर लेते हैं BSE के इंडिसेस की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडिसेस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ भी आपको 2 चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं कि एक तो है BSE FMCG जिसने कि पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 250% के, और दूसरा है BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि जो डेली नीड्स की आपकी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसने दिखाई है, बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल ने, और इसका परसेंटेज एफएमसीजी से भी कहीं आगे है। क्योंकि आप जानते हैं इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर के यूज़ की चीज़ें होती हैं। देखिए, जब तक भारत में शादियाँ होती रहेंगी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की चीज़ें चलती रहेंगी, तो ये ऐसा सेक्टर है जो कभी भी डाउन तो ये ऐसा सेक्टर है जो कभी भी नीचे जाने वाला नहीं है। मक्खी कहाँ से आ रही है? तो ये ऐसा सेक्टर है जो हमेशा आपको ग्रोथ ही देकर के जाएगा। तो बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसा सेक्टर है जिसको आपको तुरंत लेना चाहिए, और इस वक्त कोई सेक्टर चले या ना चले, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी और तीसरा फार्मा, ये तीन सेक्टर्स तो ज़रूर चलने वाले हैं अगले आने वाले एक डेढ़ साल के लिए। इन्हें आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी आप देख सकते होंगे ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, ये थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर का जो सेक्टर है इसने कुछ समय से ग्रोथ दिखाना शुरू किया है, बट हेल्थ केयर की इतनी ज़्यादा अच्छी हमारे पास रिसर्च और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए इसे अभी हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जितने भी सेक्टर्स आपसे डिस्कस किए उन सभी में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता पड़ गया होगा कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे चलते हैं, और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हम अगले 2 साल या 4 साल तक के लिए उनमें अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट करनी है, शॉर्ट टर्म पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। SIP में इन्वेस्ट करना है और लगातार इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आज तो हमने की सेक्टर्स की बात। अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है कल यानी कि संडे को जो हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम इन सेक्टर्स के जो स्पेसिफाइड स्टॉक्स होंगे, यानी हर एक सेक्टर में सारे शेयर्स अच्छे नहीं हैं, उन सेक्टर्स को जिनको हमने आज आइडेंटिफाई किया है उनमें हम आज देखेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद के कौन से शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कल यानी कि संडे को लाइव चैट के थ्रू। तो जिन लोगों ने लाइव चैट के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से जा करके कम से कम लर्नर्स लेवल का ज्वाइन मेंबरशिप ज़रूर कर लें, क्योंकि जो आप मेंबरशिप लेते हैं उससे आप कमेंट कर पाएंगे, बैजेस मिल पाएंगे, और हमसे आप एक अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे हमें भी पूरा मोटिवेशन मिलता है। आज के वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ ही जो कल लाइव वीडियो आने वाला है उसके लिए आप जल्दी से जाकर के मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। कल लाइव बातें करते हैं और लाइव वो सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताते हैं जो इन सेक्टर्स में से लेने लायक हैं, और उनमें हमने अपनी पर्सनल होल्डिंग भी बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।